नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक बड़ा साइज का टेबल फैन ब्लेड को टेस्ट करेंगे सेवन सेवन फाइव बियरिंग मोटर में एंड देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है क्या ये मोटर सच में इस ब्लेड को झेल सकता है कि नहीं उतना पावर इस मोटर में है कि नहीं ज़्यादातर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो हम लोगों का नॉर्मल कॉमन ब्लेड आता है आप इस ब्लेड और इस ब्लेड का साइज जस्ट कंपैरिजन करके देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबा है ये वाला ब्लैक ब्राउन कलर का ब्लेड ठीक है तो ये वाला ब्लेड अगर इस्तेमाल करेंगे तो मोटर के ऊपर लोड गिरेगा कि नहीं मोटर क्या खराब हो जाएगा कितना वोल्टेज का इस्तेमाल करना चाहिए इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे एंड कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि आप इस ब्लेड को यूज़ कर सकते हो कि नहीं ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं पहले तो देखिए मार्केट में आपको ये ब्लेड बहुत कॉमनली मिल जाएगा सभी जगह पे ठीक है इस ब्लेड से हवा भी बहुत अच्छा मिलता है मगर बहुत दूर तक ये हवा नहीं जाता है जो एक मुश्किल एक डिफ़िकल्ट वाली बात है और इसमें आपका दो तीन पर्सन तक अच्छा हवा मिल जाएगा मगर जो स्पैन होता है या जितना दूर तक ये या जाएगा वो थोड़ा कम होता है क्योंकि इसका ब्लेड का साइज ही छोटा है पहले मैं इसका ब्लेड का साइज बता देता हूँ आप एक ब्लेड का देखेंगे तो ये आपका साढ़े चार इंच का होता है ठीक है साढ़े चार इंच बोले तो टोटल डायमीटर आपका नौ इंच का होता है ये वाला ब्लेड जो है ये नाइन इंच का ब्लेड है इसी जगह पे हम लोग जो ब्लेड लाए इधर पे ये थोड़ा बड़ा साइज का है एंड इसका देखिए आठ इंच का है एक साइड पे आठ इंच का मतलब आठ तक दो सोलह इंच का टोटल ब्लेड है जहाँ पे ये नौ इंच ये सोलह इंच का पूरा ब्लेड का डायमीटर है मतलब कि आपका सेवन इंच ज़्यादा हो गया तो ब्लेड बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसके साथ इसका कनेक्ट कैसे करना होता है देखिए ये जो ब्लेड है दोस्तों इसमें आपका देखिए ऐसा एक मेटल का एक लॉक इधर पे दिया हुआ रहता है ठीक है इसमें आप मोटर को सैप को लगाइए आप पीछे से थोड़ा सा हथोड़ी से मारिए तो इधर पे यह लॉक हो जाएगा इधर पे कोई स्क्रू टाइप सिस्टम नहीं रहता है जस्ट पुश टाइप सिस्टम होता है मगर ये रबर वाला पुश नहीं होता इस ब्लेड में जैसे कि आपको रबर वाला पुश मिलेगा मगर इसमें आपका स्टील पुश वाला मिलेगा जिसमें मोटर आप पुश कीजिए तो एकदम टाइट हो जाएगा और ये एकदम खुलेगा नहीं ठीक है एकदम बहुत हाईली टाइट होता है क्योंकि ये ब्लेड बहुत तेज घूमेगा तो टाइट बहुत अच्छा होता है मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है तो और जो मोटर में इस्तेमाल तो करूंगा वो सेवन सेवन फाइव बियरिंग वाला मोटर इस है इसमें ठीक है दोस्तों अभी देखिए मैंने मोटर को कनेक्ट किया मल्टीमीटर के साथ में एंड इधर पे ये वाला कनेक्ट करते मुझे मल्टीमीटर पे करंट का जो वैल्यू है वो देखने को मिल जाएगा तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो करंट आपका 4.46 पॉइंट तक आया है और एक बार चेक करता हूं तो इधर पे दोस्तों कारंट का वैल्यू 4.45 पॉइंट तक आए तो 5 एम पे तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इसको प्रॉपर पावर, पावर देने के लिए और 4.45 मतलब दोस्तों अगर आपका बैटरी फोर ए एच का हुआ मतलब साढ़े चार इंच का हुआ तो आपका एक घंटे इसको बैकअप मिलेगा ठीक है मतलब कि सिंपल पकड़ लीजिए फाइव ए एच पर एक घंटे का बैकअप हो रहा है दस ईच का अगर बैटरी है तो दो घंटे बैकअप मिलेगा पंद्रह इंच का है तो तीन घंटे का आपको फ़ैन का बैकअप मिल जाता है तो अगर एक पूरा रात आपको चलाना या आठ दस घंटा हम अगर पकड़ लें दिन में दस घंटे के लिए आपको करीब पचास इंच का एक बैटरी पैक चाहिए इसको पावर देने के लिए और कंजम्पन आपका करीब 4.45 हम अगर पाँच एम्पेड भी पकड़ ले तो 60 वाट से थोड़ा सा कम 50 वाट तक इसका कंजम्पन होता है जिससे आपको बहुत बढ़िया हवा मिल जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा जो हवा आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है एंड बहुत दूर तक वो स्प्रेड भी हो रहा है आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो आपके पर, घर के पर्पज़ पर कोई भी परेशानी नहीं होगा मैंने इसका जो देखा बहुत देर तक भी चला के देखा थोड़ा सा गर्म तो दोस्तों हो रहा है मोटर मगर उड़ना भी नहीं ताकि ये मोटर जल जाए कोई परेशानी नहीं होगी मगर हाँ आप लोग चौबीस वोल्ट के इस्तेमाल मत कीजिए ट्वेल्व वोल्ट का इस्तेमाल कीजिए

ठीक है अच्छा। दोस्तों जैसा कि आपने अभी स्पीड पे देखा मैंने एयर स्पीड डायरेक्ट आपको मेजर करके दिखा है एंड एयर स्पीड में ये मोटर बहुत ही बढ़िया है पंद्रह किलोमीटर पंद्रह पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट एट तक भी मैक्सिमम आ गया फिफ्टीन पॉइंट एट किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड जो कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड होता है ठीक है तो बढ़िया हवा मिल रहा है इससे मेरा पर्सनल सजेशन यही होगा दोस्तों कि अगर आप ये वाला ब्लेड यूज़ कर तो ऐसा 16 इंच का बड़ा साइज का ब्लेड तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टाइम भी चलाइए कोई दिक्कत नहीं है मगर एडाप्टर आप ट्वेल्व फोल फाइव एम का इस्तेमाल कीजिए या फिर बैटरी भी सेम रेटेड कीजिए मगर आप 24 वोल्ट पे जब मत कीजिएगा तो मोटर आपका लॉन्ग टाइम पे जलेगा नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसी और अगर ये वाला सेम ब्लेड एंड मोटर आपको परचेस करना है तो वीडियो में तो आप चेक कीजिएगा उधर पे इसका परचेस लिंक दिया हुआ होगा आप इजीली उधर से परचेस कर सकते हो और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये वाला बियरिंग मोटर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बियरिंग के होने के कारण से ये वाला ब्लेड का लोड उतना ज़्यादा मोटर पर नहीं गिरता है आप अगर ये सेम जगह पर नॉन बियरिंग मोटर इस्तेमाल करोगे तो मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा और मोटर का बूट जो है वो घिच सकता है ठीक है घिसेगा तो आपका लॉन्ग टाइम पे मोटर नहीं चलेगा जहां पे बियरिंग में वो वाला प्रॉब्लम नहीं आता है तो बस आज के वीडियो में इतना ही बहुत जल्दी मैं वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिए